हेलो गाइस, आ गए एक नए वीडियो के साथ। जैसे कि देख सकते हैं, अभी हमारे पास ये ओकिनावा की प्रेस प्रो आई हुई है। काफ़ी डैमेज गाड़ी है और ये स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसलिए इसको कस्टमर लेकर के आए हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं, इसका सीट ओपन किया हुआ है, कस्टमर खुद ही खोले थे, तो अभी सीट सीट हटा दिए हैं। बाकी देख सकते हैं, यहाँ पे एमसीबी भी हमारा ऑन है और बैटरी में भी कनेक्ट है। और यहाँ पे देख सकते हैं, एक मिशन लगाने पे गाड़ी हमारा चालू ये नहीं हो रहा है, इसमें डिस्प्ले पे लाइट नहीं आ रहा। और ये हमारा रिमोट भी यहाँ से देख सकते हैं वर्क कर रहा है, लेकिन कोई साउंड नहीं कर रहा है। तो गाड़ी फाइनली हमारा स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग अभी चेक करेंगे, तो दिखाएंगे इसमें क्या फॉल्ट है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। बने रहिए हमारे साथ यहाँ तक। तो हम लोग अभी वोल्टेज जो हमारा ये कंट्रोलर है, देख सकते हैं कंट्रोलर में हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव वायर लगा हुआ बैटरी का, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग मल्टीमीटर्स की मदद से यहाँ पे पहले इसका वोल्टेज चेक करेंगे, देख लेंगे कि हम लोग इसमें वोल्टेज हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे पहला प्रोसेस देख लेंगे, क्योंकि ये कंट्रोलर में वोल्टेज आएगा तभी हमारा गाड़ी स्टार्ट होगा या कुछ भी होगा। मेन तो कंट्रोलर का ही है सब कुछ। तो जैसे कि देख सकते हैं, ये दोनों प्रोब से यहाँ हमारा जो बैटरी का वोल्टेज है 76, वो शो कर रहा है, मतलब कि हमारा ये कंट्रोलर यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक फ्यूज़ होता है जो कि फ्यूज़ बॉक्स काट के डायरेक्ट किया हुआ है, लेकिन फिर भी हमारा ये नहीं चल रहा है। तो आइए इसका प्रॉब्लम देखेंगे और क्या क्या चेक करना है ऐसे कंडीशन में। अभी तो फ़िलहाल जिसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे सबसे पहले, क्योंकि ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बने रहिए हमारे वीडियो में। ऐसे कभी भी आपको प्रॉब्लम होगा, एकदम शॉर्ट तरीका हम बताएंगे, ज़्यादा आपको चेक नहीं करना पड़ेगा क्या क्या है, लेकिन फिर भी बेसिक चीज़ें जो पहले हम लोग ऐसे में कंट्रोलर में वोल्टेज चेक कर लेंगे हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर रिमोट से चालू करके देखेंगे। कभी कभी होता है कि यहाँ पे से ये जो वायर है इग्निशन लॉक का वायर है, चूँकि इसमें वोल्टेज नहीं जाता है इसके कारण भी स्टार्ट नहीं होता है, तो रिमोट से भी एक बार चालू करके देख लें, अगर चालू हो जाता तो ठीक है। यहाँ पर तो रिमोट भी काम नहीं कर रहा। हमारा जो प्रॉब्लम था वो मिल चुका है, इसमें प्रॉब्लम बस यही था। जैसे कि देख सकते हैं, अभी हमारा डिस्प्ले में लाइट आ रहा है, डिस्प्ले भी प्रॉब्लम है, इसको अभी सही से फिक्स करना पड़ेगा। मेन प्रॉब्लम इसका यह था जो कि इग्निशन लॉक ख़राब था, तो जैसे कि देख सकते हैं हमने इसको शॉर्ट किया है, शॉर्ट करने के बाद हमारा ये गाड़ी में लाइट आ गया है। और एक्सेलेटर करने पे देख सकते हैं गाड़ी अभी हमारा चल भी रहा है। तो ऐसे भी आप डायरेक्ट शॉर्ट करके भी देख सकते हैं, हालांकि इसका मीटर ख़राब हो चुका है, मीटर को तो अभी सही कर लेंगे साहब को। सभी जो पिन दिख रहा है मीटर का, इसको अभी हम लोग सोल्ड करेंगे अच्छे से, उसके बाद ये भी हमारा फिक्स हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हेल्प हो सके। कभी भी रास्ता में फंसे तो बस सिंपल वे में आप यहाँ से ये इग्निशन का वायर खोल के डायरेक्ट भी करके चला सकते हैं। धन्यवाद।